देखिए जितना ले भी लो, मैं बोल दियो आप घर का चीज ले लिया, उसके बाद मेरी फूल करो जाते ठीक है। हेलो कॉलोनी वट्टेपल्ली के साकिन, वट्टेपल्ली के साकिन जनाब सैयद हसन साहब जो किसी काम से कल निकले थे 5 बजे पलकनुमा PS के बाहर के हिस्से में मोटरसाइकिल पे बैठे थे, सर में दर्द हो रहा था तो अचानक अंदर से एक कार निकली पुलिस स्टेशन की चले गई, उसके पीछे एक जवान भाग के आके इनको बोला कि हमारे सर्कल साहब गए, उठ के खड़े रहना नहीं, सल्यूट नहीं मारना, ऐसा ऐसा बोल के इनके साथ बदकलामी किया, उसके बाद इनको ज़बरदस्ती नाके में ले आके बेतहाशा दरिंदगी के साथ इनको मारपीट करा और काफ़ी तबीयत ख़राब है, कल से चलने के काबिल नहीं है। अब सुबह से ये लोग फ़ोन कर रहे थे, असेंबली में था, दवाखाने में मेडिकल करा, बोला दवाखाने में गए तो वहाँ भी पुलिस वाले बैठे, पुलिस से लिखा के लाओ बोले, पुलिस वाले मार के कैसा लिख के देते, MLC करो बोल के, फिर दवाखाने में जाके ड्राइवर के स्टाफ पे कुछ बातें करा, बोला तुम लोग पुलिस से पैसे खा लेके बैठे क्या, तो जाके गड़बड़ करने के बाद वहाँ का मेडिकल स्टाफ आ रहे बोले सुबह आगे आके पूरा मेडिकल कराए, चेकअप कराए, इनका एक्सरे लिए, स्कैनिंग लिए, पूरे टेस्ट करे, 4.5 घंटे बैठ के पूरी रिपोर्ट बना के अब DCP सौजुन को ला के कंप्लेंट दिए, भरत नाम का कोई जवान है इनको जो मारा और इतिहास से ज़्यादा बेदर्दी के साथ मारा, चोरों को डाकुओं को रोडी शीटर को नहीं मारते, इतनी बेदर्दी से इनको मारा है। तब DCP साहब से मुतालबा करेंगे इसको फौरी सस्पेंड करिए, पुलिस डिपार्टमेंट में ऐसे बदनाम ऑफिसर रहना नहीं, पुलिस डिपार्टमेंट का नाम बदनाम करना नहीं, लेकिन फिलवक्त तो इनको फौरी सस्पेंड कीजिए और इनके ऊपर एक्शन लीजिए, इनके ऊपर FIR करिए, पुलिस के लोगों का काम है कि FIR करना, खाली सस्पेंड करने से इनकी सज़ा नहीं होती, इनके ऊपर केस दर्ज करना चाहिए, वरना ये लोग को भी राइट से कोर्ट से जाके मेडिकल रिपोर्ट पे इनके खिलाफ केस कर सकते। बहरहाल तो करेंगे, पुलिस बच्चे के साथ इंसाफ करेगी और ऐसे फिरका परस्त पुलिस वाले जो यहाँ के हालात ख़राब करना चाह रहे हैं, जुल्म करना चाह रहे हैं आवाम के ऊपर, उनका सदबाब होना उनको रोकने के लिए ज़रूरी है कि पुलिस सख्त इकदाम करे। शुक्रिया। रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मेरा नाम सैयद हुसैन है, मैं मदीना कॉलोनी में रहता हूँ, फलकनुमा मदीना कॉलोनी में। मैं कल जैसे फलकनुमा PS के बाहर बैठे हुआ था, मैं एक हमारे दोस्त के संगत गया था, उन्होंने PS में कुछ काम के लिए गए थे, मैं बाहर वेट कर रहा था पार्किंग में, तो सर्कल साहब की गाड़ी गई मेरे सामने से, मेरे सर में दर्द दे रहा था, मैं नहीं देखा गाड़ी गई सो सर्कल साहब की, अगर देखता हूँ तो उठ जाता था मैं, लेकिन मैं नहीं देखा कि गाड़ी गई सो सामने से, तो एक पीछे से भरत बोल के जो सो कॉन्स्टेबल है, उन्होंने आके जो सो क्या बारे साहब की गाड़ी गई, उठ के थरना नहीं मालूम, सलूट करना नहीं मालूम क्या बोले, तो मैं बोला सॉरी सर नहीं देखा मैं, बोला मैं बोलने के बाद में जैसो मेरे को गाली गुफ्तार करे मेरे संगत करके, बोले चल अंदर बताता हूँ तेरे को, बोले मैं बोला करा क्या सर, मेरी गलती क्या है बोल के पूछा मैं, बोले तो हाँ मेरे सामने उल्टे दवा बांध दे रहा, तेरा नाम क्या है रे पूछे, नाम मेरा ये है बोलते कि जैसे मेरा नाम सैयद हुसैन है, बोलते कि मेरे को अंदर लेके गए, लेके जाके करीब आए 1 घंटे के करीब मेरे को मारे पट्टों से, हाथों पे तलवों पे मारे मेरे को, मारे बाद में जैसो जो नेहरू SI साहब है उधर के, उन्होंने बचाने आए बीच में, नेहरू बोल के SI साहब है जो, उन्होंने बचाने आए मेरे को, तो जैसो उनकी भी नहीं सुन रहा था वो कॉन्स्टेबल जो भरत है ना, उन्होंने भी उनकी भी नहीं सुन रहा था, आखिरी में मेरे को 1 घंटा मार के 1 घंटे के बाद में छोड़े, 2 घंटे के बाद में उस वहाँ से PS से निकल के मैं जैसो घर को गया, पहले हालत मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, मेरे को जैसो फयाज भी बोल के दोस्त साहब है हमारे, उन्होंने जैसो बात करके लेके गए, उन्होंने केस बुक करके रॉडी शीट खोल देते बोले, मेरी रॉडी शीट जैसो मेरी ओपन कर देते, झूठे केसों में फंसा देते बोले, हालांकि मेरे ऊपर एक भी केस नहीं है, तो फिर मैं सुबह में जैसे सो गया था, मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, फिर मैं सुबह में उठ के जैसे MLA साहब को करा, पाशा खादरी साहब को कॉल करा, मैं कॉल करा तो असेंबली में थे उन्होंने, बिजी थे, फिर जैसे उन्होंने उस्मानिया को जाओ बोले, उस्मानिया हो गए तो जैसे MLC पेपर लेके आओ बोले, तो जैसे फिर मैं पाशा खादरी साहब को कॉल करा तो पाशा खादरी साहब खुद जैसे उस्मानिया हॉस्पिटल को आए, आके 4 घंटे मेरे संगा ट्रीटमेंट मेरा पूरा हुए तक उन्होंने साथ में थे,
उन वो फिर डीसीपी ऑफिस चत्ता बाजार को आए, आगे जो सो डीसीपी साहब से बात करे पाशा कादरी साहब, बहुत बहुत उनका शुक्रिया अदा करता हूँ मैं, जो पाशा कादरी साहब जो सो आए रिस्पांस दिए, रिस्पांस दे के जो सो उसको सस्पेंड करना बोल के जो सो मुताबला करे।